मैं क्या गिनूँ। ओए होए, टू गुड टू गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बस ये करते रहना है। हाँ, कितनी देर तक भैया? घंटा नहीं अल्लाह। ये और अभी ये काफी टाइट ट्राउजर मैंने पहना हुआ है। हाँ। तो इस तरह एक घंटे में नॉन स्टॉप ऐसे मरता गया 7000 टाइम्स ऐसे करके, और 1 मिनट टांग ऐसी ही रहेगी, नीचे नहीं रख सकते इसको। रख सकते हैं, लेकिन जो 3 मिनट्स और 1 मिनट में नहीं रखी थी, 1 मिनट में 355 मारी थी मैं। और मेरे बाद जो नंबर 2 है वो अमेरिकन मास्टर रॉल मेजा का 335 है। वो तुम्हारे बाद है? मेरे बाद। वाओ क्या बात है लड़के, बड़ी बात है। ये हमारे बड़े ज़बरदस्त हीरो हैं, देखे मैंने आपकी, जिनसे आज मुलाकात करवाई है। काम का बच्चा है, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाए, और माथे में शिकन ज़रा भी नहीं है। ना पैसा मिलता है, ना उसको कोई सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, ना कोई चीज़ है, अपने ओन पे कर रहा है। यार कितनी बड़ी बात है। तो फिर व्हाट यू डू फॉर लिविंग? बेसिकली हमारा जो मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, और हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो रियल इस्टेट का है। और शुरू से मुझे फादर ने सपोर्ट किया, और मैं खुद बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है। अच्छा। और मैं अभी एमफिल कर रहा हूँ एक्सरसाइज साइंस में। यार हमारे जो यूथ है वो बैठ के मोबाइलों पे लगी है, सोशल मीडिया पे लगी है। सुखी जी वेलकम बैक, और मेरे पास एक ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, और मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में, बहुत सारे अपने रिकॉर्ड्स बनवा चुके हैं छोटे से लड़के। मगर मैं आपको क्या बताऊं कि लड़के ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, देखें पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, एथलीट्स हैं। और अहमद इनका नाम है। अहमद साहब पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने फिर से एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना जो है वो नाम कमाया है, बनाया है। मगर सबसे पहला जो रिकॉर्ड था आपका वो क्या था, और कितने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, प्लीज़ बताइएगा अहमद। सबसे पहला जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो ऑफिशियली अप्रूव हुआ था वो 3 मिनट किक्स का था, 2012 में मैंने किया था पंजाब यूथ फेस्टिवल में। और वो अभी तक अनबीटन है वो रिकॉर्ड पिछले कोई 12 साल से। वो क्या था? वो मोस्ट मार्शल आर्ट किक्स इन 3 मिनट्स मैंने उसमें की थी 620। अच्छा। और बाद में अपना इम्प्रूव करके 801 कर दी थी। वाह। तो और उस रिकॉर्ड के बाद पहला जो इंटरव्यू दिया था वो आपको ही दिया था। अच्छा। और उस वक्त आप कितने साल के थे जब आप आए थे मेरे पास? उस वक्त 19 थी, ऑलमोस्ट एज 19 साल के थे आप, तो ये कोई 12 साल हो गए जी ऐसे ही है ना। बहुत बहुत मुबारक हो। अब और बीच भी कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपने ब्रेक किए हैं और बनाए हैं, बताइए ना देखने वाले। अभी मैंने बेसिकली जो इस साल मेन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो दुबई में बनाया था, जो कि पुशअप्स के वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड था। उसने एक टांग से एक घंटे में 1 लेग पे 320 पुशअप्स किए थे 60 पाउंड वेट के साथ, और मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक करके 534 पुशअप्स किए। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये फरवरी में मैंने किया था वहाँ पे दुबई में, और उनका फिर एक प्रोसीजर होता है कि 5-6 मंथ्स लग जाते हैं उस पर, तो लास्ट वीक उन्होंने जो है उसको अप्रूवल भिजवा दी है। और अब ये मेरा 14th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले मैं 3 कैटेगरीज में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नंबर 1 पे हूँ पिछले 12 साल से। 1 मिनट में 355 किक्स, 1 आवर में 7000 किक्स, और 3 मिनट्स में 801 किक्स। इसके अलावा रिवर्स प्लैंक का रिकॉर्ड मेरे पास रह चुका है, 1 आवर 25 का रिकॉर्ड रह चुका है, पुशअप्स नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड रह चुका है। तो इस तरह के काफ़ी रिकॉर्ड्स अलग तो अहमद, ये जो आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं इतना कुछ करते हैं, तो इससे आपको गवर्नमेंट से कोई आपको मिलते हैं पैसे, कोई कमाई कुछ चीज़ होती है? नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो ना आप ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम जितनी भी गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा उन सारों के अंदर जो है वो स्पॉन्सरशिप्स भी आपको नहीं मिलती, आपको किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती। और जो मैंने दुबई का भी जो इवेंट किया था वो सारा अपनी पॉकेट से पे किया उसका मैंने, ऐसे ही होता। तो मैं पाकिस्तान में तो जो लोग ये कर रहे हैं और इस तरह से नाम बना रहे हैं अपना, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, और उनको पैसे भी नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, पहले दिन से देख लें ये काम कर रहे हैं और अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। 12 साल पहले मेरे पास आए थे जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था, अभी तक रिकॉर्ड जो है बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा ही नहीं है, और कोई देखें माली जो है इनको सपोर्ट नहीं है उसके बावजूद कर रहे हैं। बड़ी बात है, ऐसे लोगों को सलाम है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप वो लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, आगे अपना नाम बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, क्या कहेंगे, सिखाते हैं आप लोगों को? जी, मेरे अपने 2 इंस्टीट्यूट हैं लाहौर में, और पिछले 7 साल में मैं 500 से ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बेसिकली मैं टाइकवांडो में 4th डैन ब्लैक बेल्ट हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स तक जाते हैं टाइकवांडो की। कहाँ कहाँ सिखा रहे हैं? लाहौर में DHA के अंदर 2 सेटअप्स हैं मेरे, फेज़ 6 में और फेज़ 3 में। अच्छा, आपसे कोई रابطہ करना चाहता है तो कैसे करेगा?
आपके पेज बने हुए हैं फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया से रब्ता हो सकता है। मैश फिट के नाम से हमारा पेज, मैक्स फिट के नाम, मैश फिट MASHFIT मैश फिट, मैश फिट के नाम से, ठीक है। वो आपको रब्ता कर सकते हैं, आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं फॉर दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। जो बच्चियां हैं उनको भी सिखाते हैं आप सेल्फ डिफेंस के लिए, जो लोग सेल्फ डिफेंस के लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो एनजीओज हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। और आपको याद होगा एक जैनब वाला इंसिडेंट हुआ था कसूर में, उस स्कूल के अंदर भी जाके मैंने सेल्फ डिफेंस का लेक्चर दिया था उन बच्चों को जो उस वक्त थे, और पूरा एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस का। स्कूल्स में तो हर जगह जरूर होना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए, बच्चियों को तो खास तौर पे सिखाना चाहिए, बच्चों को भी, बच्चियों को वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, हर स्कूल का एक प्रोग्राम होना चाहिए ऐसी है। और अपनी तरफ से तो ये है कि सेल्फ डिफेंस है या मार्शल आर्ट्स है, इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं इन ये लाइम लाइट में नहीं है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है लोगों को वो इस हद तक होती है कि ठीक है अगर आप मार्शल आर्ट्स करेंगे आपको सेल्फ डिफेंस आ जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने बच्चों को इतने साल ट्रेन किया है वो ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी पे एक अफेक्ट आता है, आपकी कैरेक्टर के ऊपर इसकी एक नज़र आता है कि बंदा जो ना ट्रेंड है, और उसके जो मेंटल पैरामीटर्स हैं वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। यानी हम जब प्रोफेशनली मार्शल आर्ट्स को परस्यू करते हैं तो जो फिज़िकली फ़ाइट करना है ये तो लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन एक्चुअल तो ये है कि आप ऐसे इनको पहले तो वैसे ही अवॉइड करें। और आपको जो ना लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मार्शल आर्ट्स इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग, मार्शल आर्ट्स इज़ अबाउट फाइटिंग, बट ये इट इज़ ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग। अच्छा अहमद, हम एक ब्रेक के बाद आते हैं, तो आपने यहाँ पर लोगों को करके भी दिखाना है कि द वे यू आर डूइंग इट, और जिस तरीके से आप रिकॉर्ड्स बना रहे थे स्पेशली जो दुबई वाला, ये भी और बाकी टैलेंट्स भी। टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक विद अहमद। अहमद ये क्या है, इसमें कितना वेट है? ये जस्ट लेस देन 60 पाउंड्स जिस पे रिकॉर्ड हमने किया था, और जो किया था जरा उसको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं कि वन लेग पुशअप कैसे होता है। जी अहमद, वाओ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, भाई तो सही नहीं है, मैं क्या गिनूँ। टू गुड, वेरी नाइस। इस पे आपने कितने पुशअप्स किए थे? एक घंटे में 534। और ये मतलब सेट्स के अंदर ब्रेक्स के साथ करते हैं। कितनी ब्रेक्स मिलती हैं आपको? मतलब उसमें टाइम स्टार्ट जब हो जाता है एक घंटे का, तो आपकी मर्जी होती है, आप जितनी भी ब्रेक करें टाइम नहीं रुकता एक घंटे में। मतलब कितने ब्रेक, ये नहीं आईडिया आपने कितने लिए थे? ऑलमोस्ट हर 5 के बाद कुछ सेकंड ब्रेक, फिर 5 ऐसे। ये तरीका होता है इसका। और दूसरी कोई चीज जो आपने इस तरह से इसी बनाई, बैग उतारना तो उतार दो, ठीक हो मसला नहीं, उतार लेते हैं उसको, छोड़ दे। अच्छा, बहुत भारी है थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई कुशन वगैरह है तो ये रहा कुशन, ये रहा कोई, मतलब अब रही अभी जो अपकमिंग रिकॉर्ड है या जो नेक्स्ट इस मंथ में वो मार्शल आर्ट्स के 25 का होगा भाई, इस तरफ इधर पाकिस्तान में देख सके। हां जी, वो बेसिकली शॉर्ट रेंज जो स्पीड पंचिंग होती है उसका होगा। इसको एक घंटा करना है इस तरह, ऐसे पूरा घंटा नॉन स्टॉप, जो कि रिकॉर्ड है वो 30 घंटा नॉन स्टॉप। जी, एक सेकंड के लिए ये ऐसा मैं पकड़ा था, ये शॉर्ट रेंज पंच है। ओके, ऐसे बस ये करते रहना है। हाँ, कितनी देर तक भैया? घंटा नहीं, अल्लाह ये घंटा नॉन स्टॉप करना है, और उससे जो अगला है उसमें वेट उठा के 1 kg का, वो भी नॉन स्टॉप करना है घंटा हाथ में वेट। ये तो यहाँ दर्द हो रहा है मसल में यार, कैसे करते हो यार? बस हो जाती फिटनेस ट्रेनिंग के साथ हो जाती है। हाय अहमद, इतनी मेहनत करते हो फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। और टांगों वाला क्या करते हैं? टांगों वाला बेसिकली वो शॉर्ट रेंज किक थी जो अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है, वो वाला वो ये थोड़ा सा उस तरह का मैं ड्रेस नहीं पहना, आपको बता देता हूँ। ये अगर ये टारगेट ऐसे फेसिंग इस तरफ रखनी है, मत फेसिंग इस तरफ रखनी ताकि लोग देख सकें, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या था, यू टांग उठाई यू, और अभी ये काफी टाइट ट्राउजर मैंने पहना हुआ है। हाँ, तो इस तरह एक घंटे में नॉन स्टॉप ऐसे मरता गया 7000 टाइम्स ऐसे करके, और 1 मिनट ऐसी रहेगी, नीचे नहीं रख सकते उसको। रख सकते हैं, लेकिन जो 3 मिनट्स और 1 मिनट में नहीं रखी थी, 1 मिनट में 355 मारी थी मैंने। और मेरे बाद जो नंबर 2 है वो अमेरिकन मास्टर रॉल मेजा का 335 है, वो तुम्हारे बाद है, मेरे बाद। वाओ, क्या बात है लड़के, बड़ी बात है। ये हमारे बड़े ज़बरदस्त हीरो हैं, देखे मैंने आपकी जिनसे आज मुलाकात करवाई है, काम का बच्चा, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाए, और माथे में शिकन ज़रा भी नहीं है,
ना पैसा मिलता है, ना उसको कोई सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, ना कोई चीज़ है, अपने ओन पे कर रहा है यार, कितनी बड़ी बात है। तो फिर व्हाट यू डू फॉर लिविंग? बेसिकली हमारा जो मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है और हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो रियल इस्टेट का है, और शुरू से मुझे फादर ने सपोर्ट किया, और मैं खुद बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है। अच्छा। और मैं अभी एमफिल कर रहा हूँ एक्सरसाइज साइंस में। यार हमारे जो यूथ है वो बैठ के मोबाइलों पे लगी है, सोशल मीडिया पे लगी है, सुबह शाम बैठ के मुझे कमेंट कर रही होती है। मुझे कमेंट करने के बजाय यार कुछ बनो अहमद की तरह, शर्म करो। सारा दिन बैठ के बस सोशल मीडिया पे किसी बच्ची को कमेंट करोगे, किसी बच्चे को कमेंट करोगे, किसी अंकल को करोगे, किसी की शादी पे करोगे, किसी के बच्चों पे करोगे, किसी हुलियों पे करोगे, किसी अवार्ड शो पे करोगे। ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखते हो, कुछ ज़िंदगी में सीखते क्यों नहीं हो, शर्म क्यों नहीं आती तुम लोगों को? फारिग लोग ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, अपने बाप की रोटियाँ तोड़ रहे हो बैठ के। कोई काम करो बच्चों। प्यार से भी समझाती हूँ, गुस्से से भी समझाती हूँ। अच्छा नहीं लगता लेट आते हो घर में, बहनें दरवाज़े खोलती हैं, मगर मेरा बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है जो नकारा निकम्मे जवान मुझे पूरी शेव वेव आ गई है, बैठ के तो कमाया जाता नहीं, हिला जुला जाता नहीं है, अपने नाम पे अपने बलबूते पे तो कुछ करने के जोगे नहीं हो। दिल करता है जो कमेंट करता है उनको यहाँ पे बुलाऊँ, ज़रा बुला के दिखाऊँ ऐसे लड़कों को कि क्या से क्या करें। छोटी सी उम्र से करा, 19 साल की उम्र में मेरे पास आया था पहला शो करने के लिए। तो प्लीज़ अभी वक्त है, सेटल कर लो अपने आप को, ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स अपने बंद कर दो, ठीक है, सिर्फ ये काम करो। थैंक यू सो मच अहमद, आप जो हैं हमारे लिए यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल है जो हमने लोगों को दिखाई कि कुछ, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो, कुछ करें, इरादे बनाएं, लोग अपनी ज़िंदगी बनाएं, फिर ज़िंदगी बने, पाकिस्तान बने। कल मिलते हैं आपसे, मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अहमद, स्वीट ऑफ यू।